वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज फिर से एक नया वीडियो के साथ, और चलिए किचन में चलते क्या बना रहे हैं। और जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं सबको दिल से थैंक यू, धन्यवाद और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए क्या बना रहे हो दिखा। आ गई मैं किचन में, आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। ये आलू और सेंगा बोलते हैं और ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, तो आज मैं सेंगा आलू का सब्जी या ड्रमस्टिक आलू का सब्जी बनाने वाली हूँ। इधर मैंने एक बड़े साइज का आलू, प्याज, टमाटर मैंने काट लिया, काट के रेडी कर लिया। अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी और सब्जी बना लेंगे। पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे, मैं डायरेक्ट बनाऊंगी मसाले के साथ, अलग से कुछ नहीं करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, इसमें डाल देंगे 1 लाल मिर्ची। ये सब्जी बहुत इजी है और बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा को अच्छे से लाल होकर फ्राई होने देते हैं। जीरा अच्छे से लाल हो गया, अभी हमने जो प्याज कट के रखा वो फ्राई कर दिया। आलू को मैंने अलग से फ्राई नहीं किया, आलू को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज भी लाल हो गई, आलू भी अच्छे से पक जाएगा। आलू मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखा है, क्योंकि पानी का बाद अच्छे से एकदम छोटा छोटा कर लेंगे, ऐसा बनने में अच्छा नहीं लगता। इसमें डाल देंगे नमक, जब तक होगा तब तक मैं अगर टमाटर जो आता है पेस्ट बना लेंगे, तो उसको होने देते हैं। आप चाहे तो भर दीजिए आलू थोड़ा सा जल्दी पक जाए, तो भर देते हैं। जब तक फ्राई होगा मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। आलू 2 से 3 मिनट हो गया, अब इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, जैसे प्याज भी अच्छे से लाल हो गया, आलू भी लाल हो गया। अभी इसमें सूखा मसाला ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने सुबह पीसा था, 1 चम्मच ये डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, इसमें तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करिए। इसमें डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सूखा मसाला पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर जो हमें टमाटर का पेस्ट रखा है वो डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मसाला अच्छे से भून लेंगे। अभी जो इधर हमने ड्रमस्टिक या सेंगा जो काट के रखा है वो डाल देंगे। अभी का नया आलू है तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आलू पहले डाला है। अभी इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले के साथ अच्छे से 1 मिनट के लिए मसाला भून लेते हैं। मसाले के साथ अच्छे से भून लिया, मसाला भूनना अच्छे से हो गया। अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप जिस तरह का ग्रेवी पसंद करते हैं आप उन्हें सबसे पानी डालिए, पानी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि आलू वाले जो ये सेंगा डाला है ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको 5 मिनट होने देंगे। पानी में मेरे हिसाब से डाल दिया, अब इसको 5 मिनट होने देते हैं। गाइस 5-7 मिनट हो गया, अभी सब्जी अच्छे से पक रहा है। देखिए सब्जी अच्छे से पक गया, आलू भी अच्छे से गल गया और ये भी ड्रमस्टिक भी पक गया। अभी इससे ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। सब्जी हमारा बन के रेडी है।
इससे ज़्यादा इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सब्जी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी। तो गाइस आप लोगों को अगर सेंगा बटाटा या ड्रमस्टिक आलू का सब्जी जो भी कुछ बोलो रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।